मम्मी इनको सपोर्ट देने के लिए गई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया, नहा के आ गई हूँ बाहर। फेस देख के लग रहा है कुछ तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि कल का पूरा दिन इतना गया, पूरा दिन ऐसे पूरी बॉडी में ऐसे इचिंग होती रही। उसके बाद फिर शाम को वॉमिट, फिर वो दवाई ली, रात को फिर इचिंग हो रही थी। दवाई भी ले ली थी, पहले ऑयल लगाया फिर दवाई ली, दवाई से भी इतना ज़्यादा आराम नहीं हुआ। रात को फिर होने लगी, अब सुबह भी मैं पूरा ऑयल मतलब ऐसे लगा के आई हूँ, क्योंकि डॉक्टर ये बोल रही थी ये आखिरी टाइम है, अभी तो किसी भी टाइम हो सकती है। तो ये किसी किसी को होती है, मुझे ही क्यों हुई है इतनी, मतलब ऐसा लगता है कि बस अच्छे से खुजली कर लो और फिर ऐसा लगता है यार कि कहीं स्किन भी ना फट जाए। तो निशान पड़ेंगे ना। और मम्मी आज अकेले वॉक करके आई, दो दिन तो साथ दिया, तीसरे दिन लेट गई, नींद ना आई, रात ने फिर खुजली हो गई, फिर तेल लगाया तो मम्मी आज अकेले वॉक करके आई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और भाई नाश्ता लग चुका है सुबह सुबह हमारा, ये रात वाला चूरमा बचा हुआ, रात को तो इन्होंने खाया नहीं था खाना, फिर दूध दूध पिया था बस थोड़ा सा, तो खाना लग चुका है। अभी कैसी है? अभी थोड़ा ठीक है, ठीक है। चलो खाना खा लेते हैं भाई, उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे। एक बार डॉक्टर से शायद चेकअप करवा के आना पड़ेगा, LFT टेस्ट इनका, LFT टेस्ट के लिए बोला है डॉक्टर ने। तो भाई खाना पीना खा लिया था हमने, इनको थोड़ा आराम नहीं मिला है इतना, तो अभी मैंने डॉक्टर को मतलब लैब वाले को बुला लिया है टेस्ट के लिए, क्योंकि बाहर जाने का तो हिम्मत नहीं थी इनकी इतनी, तो यहीं पे बुला लिया है टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट के सैंपल ले जाएंगे और वो रिपोर्ट भेज देंगे, रिपोर्ट को लेके फिर जाना है डॉक्टर के पास में, तो उसके बाद मिलेंगे। तो भाई लैब वाले भैया आ चुके हैं गेट पे, मैंने गेट पे फ़ोन कर दिया, अप्रूवल दे दिया उनको, तो अभी करवाएंगे इनका टेस्ट, LFT टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट। क्या होता है भाई पता नहीं, डॉक्टरी टर्म हमें तो ज़्यादा और ये सासू बहुत टेंशन में आ जाती हैं, जैसे कुछ डॉक्टर बोल देता है कि करना है वो करना है, तो टेंशन तो वही भाई, तो गाइस टेस्ट करने के लिए भैया आ चुके हैं घर पे, अभी करवाएंगे उनका टेस्ट। सिर्फ LFT, दो चार और करवा दे साथ में तुम्हारे, क्यों करवा दे दो चार और, हम तो यो भी करवा के खुश कौन था, क्या करें बेट, करवाना पड़ता है ना, मजबूरी के तरह न्यू न्यू करती भी कौन देखी जा। ये लीवर पे होता है, लीवर पे सूजन वगैरह या जैसे कुछ इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो रखा हो, मतलब ये टेस्ट इसलिए बोला क्योंकि मेरे को कल से खुजली, लीवर पे होता है ना तब खुजली होती है। जैसे जिसका लीवर खराब हो जाता है ना, वो सारे दिन ऐसे 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 कुछ करता रहता है वो। टेस्ट है कोई, ये जवान होने के लिए थोड़ी है, कोई एक प्रीकॉशन लेके चलना पड़ता है। मेरा आधा खून तो इन डॉक्टर दूर जा लिया हैं, इनसे आधा खून तो इन दूर जा लिया। हाँ मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है, कम नहीं खा लिया मैं वो इंसान में कभी ना था, पहले वाले गांव भरे नहीं थे, दूसरे गांव हो जाएंगे अब। तो भाई ये घबरा रहे हैं थोड़ी, मम्मी इनको सपोर्ट देने के लिए गई है, मम्मी इनको सपोर्ट देने के लिए गई है थोड़ी सी, बस बस हो गया, इतनी देर का काम थोड़ी होता है, हो गया तो ऐसे बच्चे की तरह एकदम ये ले, बस काम सब खत्म इतनी देर में, तो मुटी
सीधा 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 मुट्ठी खोल के सीधा रख लो। हाँ ये देखो गाइस इतना खून निकाल गया भैया ने, इतना सारा। ये तो मैंने पहले निकाल दी क्योंकि इसमें वैक्यूम इतनी होती है, इसकी यहाँ तक बढ़ती है कंप्लीट जो निकालने में। तो अब हम रेगुलर कस्टमर हो गए ना भैया, तो इसलिए थोड़ा सा कम निकाला है। उस दिन बहुत लेट मिले हमें, डॉक्टर के पास जाना होता है तो डॉक्टर के पास फिर 8 बजे, तो फिर वो ज्यादा लेट हो जाता है, तो इस करके लास्ट टाइम भी हम नहीं जा पाए, अगले दिन डिले करना पड़ा। शाम को दोपहर तो हो गई थी, हाँ दोपहर के 11-12 बजे तो सुबह अगर जल्दी करवाना हो तो कितने बजे? 7:30 बजे खुल जाता है। वो आते हैं ना शुगर वाले लोग आते हैं ना, जिनको खाली पेट करना होता है शुगर वाले पहुंच जाते हैं ना। डॉक्टर नेहल तो भाई टेस्ट हो गया इनका, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद जाएंगे डॉक्टर के पास में। टेस्ट करवा लेता तो रिपोर्ट सुबह मिल जाती। कल किया था, फोन बंद हो गया था ना इनका। वो टेप से लगा दो ना भाई हाथ पे। अच्छा पानी पी लो आप, क्या लोगे चाय ठंडा क्या लोगे भैया? नहीं थैंक यू नहीं, चाय ठंडा में पूछा है। थैंक यू तो मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं आपको। क्या फ्लू वाली? नहीं, वही अभी जो 2-3 दिन पहले पंगा हुआ था। तो गाइस ये देखिए, ये वाला सूट मैंने डाला है, ये बहुत पहले की वीडियो, जिस दिन मैंने 2-3 सूट का मैंने इकट्ठा निकाला था मैंने बताया था, तो ये उसी दिन की क्लिप है, मुझे नहीं पता कौन से वाले व्लॉग में जाने वाली है ये। तो ये देखिए, ये भी मुझे आया था माम में क्लॉथ हाउस से, बहुत ही आपको पता है अच्छा पेज है, वहाँ से मुझे सूट कलेक्शन आता ही रहता है। और ये तो बहुत ही प्यारा कलर है, बैंगनी कलर है, ये मेरे पास नहीं था, साथ में दुपट्टा दिया होगा, बहुत ही प्यारा रेडी करके भेजा गया। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो जाना, और जब मैं स्टोरी लगाऊंगी ना तो स्टोरी में उनका मैं व्हाट्सअप लिंक भी लगाऊंगी, जिससे आपके पास नया कलेक्शन आता रहेगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है, आप सब बताना कि आप सबको कैसा लगा, लग रहा है ना बहुत ही प्यारा। तो इनके YouTube चैनल का भी नाम मेंशन कर दूंगी, वहां से जाके भी आप ले सकते हो, और अगर आप मेरा रेफरेंस लेके जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो गाइस थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही है इनकी अभी, तो थोड़े से चार्ज हुए हैं ये, और अनार खाया इन्होंने, मम्मी थोड़ा सा मिलके खा रही है। मैंने सोचू बाले को बता ही दे कदा होगा, कदा होगा ये तो मैं गनु के आगरा ना बाहर के तो थकी लिए वेट करके, दीदी जल्दी आ जाओ बता देगा, जल्दी आ जाए अपने आप बता देगा, टेंशन नहीं लेना। मैं थक गई मतलब आने से पहले, और कितने टेस्ट करवाने बाकी है बता क्या होगा, तो इस वाले महीने में देख लो कितने टेस्ट हो गए, 2 बार जब, फिर 1 बार और, अब फिर ऐसे तो डॉक्टर ही मेरा ये सारा ब्लड निकाल लेंगे, 1.5 cc भर लेंगे, फिर एंड टाइम पर खून की कमी पाओगे। और गाइस देखो ये साथ का तो इनका ना खून निकाल के ना देखो पतला कर दिया बिल्कुल, है ना पतला हो गया ना बिल्कुल, है हिलने लग गया देखो, ऐसे 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 टूट गया है। टाइम भी तरसे ही निकाला था, अब भी फिर उसी नस में, और इसी में नहीं तो पिछले 2-3 बार क्या ना इतना पेन नहीं हुआ, सेम जगह ही सुई घुसा दी, दर्द हो रहा था। तो गाइस रिपोर्ट वगैरह जो भी आएगी वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो 3 बजे आता है हमारा उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, बेबी इसीलिए वेट कर रहा है कि 1 मिलियन होंगे उसके बाद में बेबी चलेगा वहाँ से, तो आपकी कमी रह रखी है देख लो, अब तुम फटाफट से करोगे ना तो फटाफट चीजें होंगी। फिर भैया को बोला तो है कि अगली बार जल्दी देना रिपोर्ट, पिछली बार लेट हो गए थे, तो जो भी रिपोर्ट आएगी डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या कहता है क्या करता है। हाँ जी
तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में 3 बजे देखने के लिए मिल जाएगी हमारा चैनल पे जो आता है उसमें। तब तक के और लिए आप लोगों ने बोला था कि टेस्ट करवा लेना, अदरवाइज ना। हाँ, मैंने कमेंट में पढ़े थे, ऐसे भी आ रखे थे जो ये बोल रहे थे कि दीदी मेरे साथ ये फर्स्ट मंथ में हो गया था, मेरे साथ ये थर्ड मंथ में हो गया था या 7 मंथ में हो गया था, मतलब खुजली वाली चीज की इचिंग होती है इस टाइम में। पर कुछ ये भी बोल रहे थे कि यार टेस्ट करवा लो, कुछ पता नहीं चलता, आखिरी टाइम में कोई दिक्कत आ जाए। तो मेरा मन नहीं था करवाने का, बट सुबह सुबह ये आपके कमेंट पढ़ रहे थे, बोले यार कुछ बोल रहे हैं कि जरूरी है करवा लेते हैं, कुछ नहीं जाता, पता चले पूरे 9 महीने तो सारी चीजें सही हुई है। भाई मेन बात वो है ना, इस टाइम पे मतलब 1% का भी रिस्क लेना ना गलत है। फिर वो ना आदमी ये सोचता रहता है कि यार करवा लेते हैं। तो मेरा तो सिंपल सा मतलब मेथड ये रहता है हमेशा, मेरे भी कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो मैं सीधा चला जाता हूँ उठ के डॉक्टर के पास में। छोटी मोटी सर दर्द वगैरह हो तो अलग चीज है, बट कभी कुछ लगता है ना तो मैं तो चला जाता हूँ सीधा। तो करवाना ठीक रहता है, यही था, इसी करके हमने सोचा। मम्मी भी बोली नहीं करवा ले, मम्मी का सबसे ज्यादा रहता है, आपको तो मैं फिर भी चलो कैंसिल कर देती। मम्मी को भी फिर ये था ना करवा ले, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी फलाना धिकड़ा। फिर मैं कहा चलिए यार करवा ले, पता नहीं अब ये करवाया बेबी कब आएगा, कल परसों परले दिन पता नहीं। और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि ये डिलीवरी के सिम्टम्स हैं, मम्मी भी बोल रही थी कि शायद ये डिलीवरी के सिम्टम्स हैं, 2-3 दिन पहले ऐसे हो जाता है किसी किसी, क्योंकि मेरे पूरे 9 महीने नहीं हुआ, अभी जब कंप्लीट हो गया अभी हो रहा है। तो मम्मी कह रही थी जब नहीं हुआ तो शायद ये डिलीवरी से पहले जो 2-3 दिन पहले किसी की बॉडी में हो जाती है ऐसे इचिंग, तो ये उससे होता है। तो सुबह भी मैंने ऑयल लगाया था, फ़र्क है मुझे अभी हो रही है, पर जो कल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल था, रात को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल था, अभी उससे कम है। बाकी एक बार टेस्ट आ जाएगा तो पता चलेगा कि क्या है, बस नॉर्मल आ जाए सारे, यही दुआ करना। और बस इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। थैंक यू फॉर योर कंसर्न, इतना सारी प्यारे प्यारे मैसेज करते हो, चिंता दिखाते हो, उसके लिए आई लव यू, बाय।